अस्सलामुअलैकुम, आप सबका रुबाज ऑल इन वन किचन में एक बार फिर वेलकम है। आज हम हमारे किचन में बनाने वाले हैं पार्मेजान चिकन। इट्स वेरी टेस्टी, मतलब आप इसे एज अ प्लेटेड डिश की तरीके से सर्व कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हमें सबसे पहले चाहिए, हम वो करेंगे चिकन की मैरिनेशन। तो यहाँ हमें मैरिनेशन के लिए बहुत बेसिक चीजें चाहिए, सॉल्ट चाहिए, ब्लैक पेपर चाहिए, विनेगर, ऑयल और गार्लिक। तो सॉल्ट हम लेंगे 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, विनेगर 1 टेबल स्पून, गार्लिक 1 टेबल स्पून और ऑयल लेंगे 1 टेबल स्पून। और यहाँ हमने चिकन लिया 250 ग्राम, ओके। उसको हमने इस तरीके से, जैसे जिंगर के पीसेस होते हैं ना आपके, इस तरीके से आपने निकाल लिए। इट्स लाइक अ आपका जो बटरफ्लाई, जो आपका फ्ले होता है, उसको इस तरीके से हाफ कर लेंगे बीच से, ओके। इट्स लाइक दिस। अब हम इसमें हमारी सॉल्ट पेपर डालेंगे, गार्लिक डालेंगे और इसमें हम डालेंगे ऑयल। ओके, अच्छा ये हमारा, अब आप बोलेंगे एकदम बेसिक से मैरिनेशन क्यों की है, इसमें हम कोटिंग करेंगे क्योंकि पार्मेजान चिकन बनी बहुत टेस्टी होती है। आपको ऐसा ऐसा रेसिपी के बारे में पता चलता जाएगा कि ये कैसे बना रहे हैं। इसमें हम दोनों सॉसेस बनाएंगे, मॉर्ने सॉस जो कि बेसिकली व्हाइट सॉस होता है, और हमारा हम इसमें बनाएंगे मैरिनारा, बिल्कुल ऑथेंटिक वे में बनाएंगे, ताकि अगर आप लोग को दूसरी रेसिपी इसके साथ भी मैरिनारा चाहिए और ये रेसिपी चाहिए तो आप देख सकते हैं। अब हम इसके लिए इसको साइड कर देंगे और इसकी कोटिंग वगैरह हम एंड में बनाएंगे। सबसे पहले हम व्हाइट सॉस यानी मॉर्ने सॉस और मैरिनारा की प्रेप करते हैं। तो जो हमें मैरिनारा बनाना है उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, मैं आपको बता दूं। यहाँ हम लेंगे 2 टेबल स्पून बटर, सीजनिंग के लिए हमारे पास सॉल्ट और ब्लैक पेपर ही है जो हमारा 1 टीस्पून है, शुगर है 2 टीस्पून जितने, ओके। उसके बाद हम ऑरिगेनो थाइम लेंगे, इसको आप समझ लें पिंच डालेंगे। यहाँ पे हमने लिया है 4 to 5 टेबल स्पून आपका टोमेटो पेस्ट, जो कि हम इसे प्यूरी बना देंगे इसको पानी डाल के। और ये अनियन है, फुल अनियन चॉप किया हुआ, बट हम इसमें से 2 टेबल स्पून अनियन डालेंगे, बाकी हम इसको मॉर्ने सॉस के लिए रख देंगे। तो यहाँ हमने बटर डाल दिया और बटर को हम अच्छे से सबसे पहले मेल्ट करेंगे। जब बटर बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और थोड़ा सा हीटर हो जाएगा, जब उसकी मतलब थोड़ा गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे अनियन। ये देखिए हमारी प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, अब हम इसमें हमारा टोमेटो पेस्ट डालेंगे। तो ये देखिए आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिख रही होगी, टोमेटो पेस्ट को अच्छे से पानी डाल के पतला कर लिया है, ठीक है। अब हम इसको डाल देंगे इसके अंदर। अगर आपको टोमेटो पेस्ट की रेसिपी देखनी और बनाना है घर पे टोमेटो पेस्ट, आप तो जाके लिंक पे क्लिक करें और टोमेटो पेस्ट घर पे बनाएं, ओके। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे हम सीजनिंग, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, शुगर, ऑरिगेनो। अच्छा ऑरिगेनो हम इसके अंदर डालेंगे, मैंने आपको बताया पिंच डालेंगे और इसको अच्छे से इस तरीके से कर लेंगे ताकि ये अच्छे से क्रश्ड हो जाए, ओके। और इसके बाद इसको डाल देंगे और हम डालेंगे थाइम। अच्छा थाइम को कभी भी ओवर ज्यादा मत डालिएगा खाने में, क्योंकि जब आप थाइम ज्यादा डालते तो खाना कड़वा हो जाता है। थाइम फ्लेवर देता है बट जब इसका टेस्ट ओवर हो जाता है तो ये कड़वा कर देता है खाने को। अच्छा अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा पका लेंगे और यहाँ हमारा मैरिनारा रेडी हो गया। मॉर्ने सॉस बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, गार्लिक, बटर, फ्लावर। तो बटर चाहिए हमें 2 टेबल स्पून, फ्लावर चाहिए हमें 1 टेबल स्पून। यहाँ हम लेंगे गार्लिक 1.5 टेबल स्पून, ऑयल लिया हमें 1/2 कप। ये हमारी बची हुई प्याज है, इसके बाद इसमें से भी हम थोड़ी सी बचा लेंगे क्योंकि हमें बहुत ज्यादा प्याज नहीं डालनी, ओके। फिर हम थाइम और ऑरिगेनो डालेंगे सीजनिंग के लिए और सॉल्ट डालेंगे, साथ ही हम इसमें डालेंगे क्रीम और चेडर चीज। अच्छा और जो मॉर्ने सॉस होती है उसमें चीज जाती है और क्रीम जाती है, इसलिए इसका नाम होता है मॉर्ने सॉस। बेसिक ये व्हाइट सॉस ही होती है, अगर आप व्हाइट सॉस के अंदर क्रीम डाल दें और चीज डाल दें तो ये आपकी बन गई मॉर्ने सॉस। अच्छा अभी हम बटर के अंदर फ्लावर नहीं डालेंगे, अनियन डालेंगे, ओके। और इसको थोड़ा सा सॉटे करेंगे। तो इसमें मैंने फ्लावर डाल दिया है, ओके। प्याज सॉफ्ट हो गई थी हमारी, फिर हमने इसमें फ्लावर डाल दिया, ओके। अब हम इसमें मिल्क डालेंगे,
इसको थोड़ा सा हल्का सा पका देंगे और इसके बाद आप इसमें मिल्क डाल देंगे और इसे मिक्स अच्छे से करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना हो। तो ये देखिए हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा थिक है, लेकिन अब हम इसमें क्रीम का एक पैकेट डालेंगे। ठीक है, क्रीम मतलब हाफ डालेंगे क्रीम का पैकेट। उसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे और बहुत अच्छे से इसे मिक्स करें ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। और ये बिल्कुल अच्छे से जब मिक्स हो जाएगा तो फिर यहाँ हमारी बन जाएगी मॉर्नी सॉस बिल्कुल परफेक्टली रेडी। अच्छा तो मैं आपको बताती हूँ कि मॉर्निंग सॉस और वाइट सॉस और नॉर्मल सॉसेज में क्या डिफरेंस होता है। जो मॉर्निंग सॉस होता है उसमें हम बना डालते हैं चीज़, इसलिए वो बन जाता है मॉर्निंग सॉस। तो हम यहाँ डालेंगे ऑरिगेनो और थोड़ा सा थाइम, ठीक है, क्योंकि टेस्ट के लिए देना है। इसको अच्छे से उसको डालने के बाद मिक्स करेंगे और बहुत अच्छा से मिक्स देंगे। इतना ज़्यादा से पकाते भी नहीं है क्योंकि थोड़ा सा नीचे से चिपक जाए। तो ये हमारी अब कंसिस्टेंसी भी सही है बिल्कुल। अब हम इसमें ये डालेंगे देखिए चीज़। इसमें मैंने चीज डाला है, तकरीबन मैंने डाला है 4 टेबल स्पून जितना, आप समझे 1/4 कप चीज डाला है, चार चीज, ओके। और इसको मैं मेल्ट कर रही हूँ, उसके बाद हमारी मॉर्निंग सॉस रेडी हो जाएगी। पर हम कोटिंग की तरफ आएंगे। सो यहाँ हमने लिया है आटा जो कि हमारा होगा 2 से 3 टेबल स्पून जितना। उसमें हम डाल देंगे एक गार्लिक पाउडर का पैकेट। अच्छा ये जो है ये है हमारा 1 टीस्पून जितना गार्लिक पाउडर। हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। ओके, बेसिक सा कोटिंग के लिए सबसे पहले हमने मैदा लिया। वो अच्छे से जब चिकन को हम अच्छे से सबसे पहले मैदे में कोट करें तो उसमें हमने डाला फिर ऑरिगैनो। और ये हो गया, हम साइड पे कर देंगे, इसे बाद में मिक्स कर देंगे। अंडे में हमने कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ डालना है सॉल्ट ताकि उसका टेस्ट आए। और फिर हमारी मेन जो कोटिंग की इंग्रेडिएंट है वो है ब्रेड क्रम्स। और हमारा सबसे मेन इंग्रेडिएंट क्या है, वो है पार्मेजान, क्योंकि हम बना रहे हैं पार्मेजान चिकन। तो हम पार्मेजान चीज़ पाउडर डालेंगे। अच्छा, पार्मेजान चीज़ बहुत एक्सपेंसिव होता है वो, और आप ऊपर से डालते हैं क्रश करके। लेकिन नहीं हो तो आप लोग को पार्मेजान चिकन बनाना था, पार्मेजान चीज़ पाउडर से भी काम चला सकते हैं। मैंने इसमें अच्छी क्वांटिटी पार्मेजान चीज़ पाउडर की डाली थी। ये तकरीबन मैंने डाल दिया होगा 3 टेबल स्पून 4 टेबल स्पून पार्मेजान चीज़ पाउडर, क्योंकि पार्मेजान चीज़ पाउडर ही आपका मेन इंग्रेडिएंट और वही आपको फ्लेवर देगा पार्मेजान चिकन में ऑब्वियसली। तो आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ हमारी कोटिंग के इंग्रेडिएंट्स रेडी हो चुके हैं। इट्स लाइक मैदा, फिर है हमारा अंडा और हमारा एक ब्रेड क्रम्ब का कोट। ओके, आपको एक और बात बता दूँ कि जब आप लोग के पास हम लोग डालते हैं ना ऊपर से पार्मेजान चीज़ भी, जब हम चिकन में डालते हैं, तो हम लोग इसमें भी चीज़ पार्मेजान चीज़ पाउडर डाल सकते हैं। सो यहाँ हम मैंने ब्लैक पेपर और ओरिगैनो भी मैं डाल रही हूँ कोटिंग के अंदर। तो सबसे पहले हम एक फ्ले लेंगे, ओके। इसको सबसे पहले हम आटे में करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे। उसके बाद हम इसे एग में डालेंगे, ओके। फिर और यहाँ से हम इसे निकाल लेंगे, ओके, एग में डल गया। अब हम इसे डायरेक्ट डालेंगे हमारे ब्रेड क्रम्स में और इसे अच्छे से कोट करेंगे, बहुत अच्छे से। और इसे हमें डीप फ्राई करना है। अब इसकी प्लेटिंग भी मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगी। इसको हम नूडल्स के साथ भी सर्व करते हैं, तो हम इसके गार्लिक नूडल्स बनाएंगे, नॉर्मल नूडल्स भी बना सकते हैं। गार्लिक नूडल्स की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे मशरूम चिकन में जाके देख सकते हैं। ये हो गया अच्छे से कोट, ओके, ये कोट रेडी हो गया। हम इसे सिंगल कोट ही करते हैं, डबल कोट नहीं करते। मैंने तेल को अच्छे से गरम कर लिया, उसके बाद मैंने इसके अंदर चिकन डाल दिया है, क्योंकि तेल अच्छे से गरम हो गया फिर ही चिकन डालेंगे। लेकिन जो फ्लेम है वो थोड़ा सा लो रखिएगा आप लोग भी, ताकि चिकन अच्छे से अंदर से पक जाए। फिर देखिए मैंने इसके ऊपर चीज को, चार चीज डाली और इसको सैलामेंडर कर लिया, मतलब टॉर्च को, टॉर्च से इसको फ्लेम करके मेल्ट कर लिया। इसके पार्मेजान चिकन डाला है, चीज डाला है और इसको मैं इस तरीके से कट करके इसका प्लेट कर रही हूँ। तो प्लेट करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये मैंने किस तरीके से किया है।
ये देखिए हमारी पार्मेजान चिकन रेडी हो चुकी है और इसकी फाइन लाइन प्लेट भी हो चुकी है। अब इसकी आपको ये प्लेट कितनी खूबसूरत लग रही है और ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, बहुत मजे का होता है। तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये पार्मेजान चिकन की रेसिपी कैसी लगी है। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबसे पहले जाएं और जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, उसके आगे ही सबसे पहले बेल आइकन होता है सब प्रेस करें ताकि आपको अपडेट मिल सके कि मैं कब न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में जाके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।